हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सोना 24 एम में। मैं राहुल सिंघानिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FCI रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग हम दोस्तों आज बात करने वाले हैं। इस रिक्वायरमेंट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि FCI रिक्वायरमेंट 2022 में दोस्तों कुल जो है 4710 श्रेणी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की रिक्तियों के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित किया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है 4710 पोस्ट की वैकेंसी होने वाली है। बताना चाहूँगा कि भारतीय खाद्य निगम ने हाल ही में 4710 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती अधिसूचना घोषणा की है। उम्मीदवार जो इस संगठन में शामिल होने की इच्छुक है वो लिंक की सक्रिय होने के बाद अपनी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अपडेट जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं सीधा ओवरव्यू के ऊपर। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि FCI रिक्वायरमेंट 2022 में कुल जो है 4710 पोस्ट की वैकेंसी होने वाली है। यदि आप FCI जॉब की तलाश में हैं तो आपका सबसे महत्वपूर्ण करियर खोलने का अवसर है। दोस्तों, हाल ही में संगठन ने श्रेणी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रिक्त पदों पर नवीनतम भर्ती अधिसूचना की घोषणा की है। भारतीय खाद्य निगम FCI ने लगभग 4710 FCI रिक्तियों हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि FCI भर्ती 2022 के माध्यम से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम एक एक करके सारी पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सोना 24 एम को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। दोस्तों, यहां से आपको काफी मदद मिल सकता है अपनी करियर को लेकर के। तो आइए हम बात करते हैं FCI रिक्वायरमेंट 2022 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि FCI रिक्वायरमेंट 2022 डिटेल्स ओवरव्यू के बारे में बताना चाहूंगा कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI है, और नेम ऑफ द पोस्ट दोस्तों कैटेगरी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कुल जो है 4710 पोस्ट पर वैकेंसी होने वाली है। एप्लीकेशन मोड दोस्तों आप ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जॉब कैटेगरी जो है गवर्नमेंट जॉब है और जॉब लोकेशन दोस्तों ऑल ओवर इंडिया है। संपूर्ण भारत की स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो है मेल फीमेल दोनों पर्सन इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, आगे हम दोस्तों आपको PDF के माध्यम से जो लेटर निकल के सामने आ रही उनके माध्यम से भी आपको दिखाने का कोशिश करूंगा दोस्ती कि उस लेटर जो अपडेट किया गया है उसमें मतलब क्या जिक्र किया गया उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो आइए हम दोस्तों आगे हम आपको बताना चाहूंगा कि FCI वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो जो है नेम ऑफ द पोस्ट कैटेगरी सेकंड में दोस्तों कुल जो है 35 पोस्ट पर वैकेंसी होने वाली है और कैटेगरी थर्ड में 2521 पोस्ट पर वैकेंसी होने वाली है। कैटेगरी फोर की बात करें तो 2145 पोस्ट पर कैटेगरी फोर की बात करें तो 2154 पोस्ट पर वैकेंसी होने वाली है। टोटल जो है 4710 पोस्ट पर वैकेंसी होने वाली है FCI की तरफ से। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। आई होप कि आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है FCI एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। कैंडिडेट शूड पास्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री इन रिलीवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। दोस्तों, अगर आप स्नातक किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, मास्टर डिग्री किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बताना चाहूँगा कि FCI जॉब में जो है एज लिमिट क्या रखा गया है। तो मिनिमम एज जो है 28 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं FCI करियर सिलेक्शन प्रोसेस की। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विल सिलेक्ट द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम। दोस्तों, आपकी जो है परीक्षा भी होगी दोस्तों और इंटरव्यू भी होगा इसमें। आगे हम बात करते हैं FCI सैलरी डिटेल्स के बारे में। बताना चाहूंगा दोस्तों कि मिनिमम सैलरी जो है आपकी 50,000 रुपये रहने वाली है और मैक्सिमम सैलरी 1,80,000 तक रहने वाला है। आगे आपको बताना चाहूंगा कि FCI रिक्वायरमेंट 2022 में आप एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है। बताना चाहूंगा दोस्तों कि UROBC EWS कैटेगरी की उम्मीदवार को 1,000 रुपीज लगने वाले हैं और SC ST PWD एंड फीमेल्स कैटेगरी के उम्मीदवार को कोई आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। बताना चाहूंगा दोस्तों कि हाउ टू अप्लाई फॉर FCI रिक्वायरमेंट 2022। आप जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों इस फॉर्म को आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कर पाएंगे। और आगे हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों कि स्टार्ट डेट
इंपोर्टेंस डेट के बारे में, तो ये बहुत जल्दी दोस्तों अपडेट किया जाएगा, क्योंकि आगे हम जो है आपको लेटर जो दिखाएंगे उसके माध्यम से आप देख पाएंगे दोस्तों कि लेटर में जो है टोटल पोस्ट की भी जिक्र किया गया है और जो लेटर कब कटा हुआ है उन सारी ऊपर हम चेकिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकल के सामने आ रही दोस्तों उनके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आप डिस्प्ले के ऊपर देख पा रहे होंगे कि भारतीय खाद्य निगम आंचलिक कार्यालय, इसमें जो है दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, जोनल ऑफिशियल नॉर्थ के हैं दोस्तों। और इसमें जो है हम देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इसमें जो है सब्जेक्ट जो है डी दिया हुआ है यहाँ पे, डी आर वैकेंसी ऑफ कैट सेकेंड थर्ड एंड फोर 28/2/2022 को ये जो है दोस्तों इसमें दिया गया डेट दिखा रहा है दोस्तों। और लेटर जो है इशू कब हुआ है ये भी हम आपको चेक करके दिखाएंगे आपको। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इसमें जो है टोटल मतलब दिया हुआ इनका जो है डिस्कस किया हुआ है कि मतलब कौन कौन से कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी होने वाली है। आप डिस्प्ले के ऊपर देख पा रहे होंगे कि जो है इसमें टोटल क्लियर किया हुआ है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो है फर्स्ट में जो आप देख रहे हैं ये सेकंड कैटेगरी के लिए है दोस्तों, और इसमें जो है थर्ड कैटेगरी में इसमें दिया हुआ है डी आर वैकेंसी ऑफ कैटेगरी थर्ड एंड 28/2/2022। इसमें जो है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे टेक्नीशियन है और जनरल है, अकाउंटेंट है, डिपॉट है, जेई में ये है, जेई सिविल है, और टाइपिस्ट हिंदी है, एजी हिंदी है, सेकेंड एस्टनो ग्रेड सेकेंड है। टोटल जो इसमें पोस्ट दिखाया गया 2521 पोस्ट है। और इसी तरह करके नीचे दोस्तों आपको डी आर वैकेंसी कैटेगरी फोर में 28/2/2022 इसमें भी दिया हुआ दोस्तों कि कौन कौन से जो है दिया हुआ है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड। और नीचे जो है आप देख रहे हैं कि टोटल आपको जो है 2144 है दोस्तों। और नीचे जो है आप इसमें जो है योर फेथफुल में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये लेटर जो है 5/5/2022 मतलब 5 मई 2022 को ये जो है ऑथराइज किया गया है दोस्तों, और इसकी जो है अपडेट बहुत ही जल्द आने वाली है। लेकिन दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो है अपडेट बने रहें, और इस वैकेंसी में जो रुचि रखते हैं, जो स्टूडेंट्स मेल फीमेल इस वैकेंसी में रुचि रखते हैं, वो अपडेट बने रहे दोस्तों। आपको जैसे जो ही इनकी नोटिफिकेशन जारी होता है हम इसी चैनल के माध्यम से आपको सूचना दे देंगे दोस्तों। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।